सर, वंचित बहुजन आघाड़ी एक अलग ढंग से, अलग जोश से इस विधानसभा में निर्णय के रिंग में उतरी है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अलग ढंग से नहीं, सही ढंग से उतरी हुई है, क्योंकि इस जिले में जो कांग्रेस 70 सालों से राज कर रही है, उसके ही एजेंट कांग्रेस के ही एजेंट भाजपा में है, कांग्रेस के लोग राष्ट्रवादी में, कांग्रेस के लोग शिवसेना में है, और वो बिना किसी इसके जो पार्टियों में अपने लोग घुसाती है, जो ईमानदार कार्यकर्ता होते हैं, जो एकनिष्ठ कार्यकर्ता होते हैं, उनको कभी इंसाफ नहीं मिलने देती है। अब नांदेड़ की जनता को ये पता चल गया है कि शिवसेना पार्टियों को खरीदती है, इस कारण से वो यहाँ के उद्योगों को बेचती है, यहाँ के ज़मीनों को बेचती है, कारखानों को बेचती है, और यहाँ पर मनमानी तरीके से हल्के दर्जे का एजुकेशन देकर यहाँ के नौजवानों का भविष्य खराब कर रही है। इसलिए आज नौजवानों में बड़ा गुस्सा है कि एक बदलाव, एक परिवर्तन इस नांदेड़ ज़िले से शुरू होने जा रहा है, और ये जो परिवर्तन है, ये राजनीतिक क्रांति है जो नांदेड़ जिले के देगलूर बिलोली के मतदाताओं के माध्यम से, नांदेड़ के देगलूर बिलोली और कुंडलवाड़ी के मतदाताओं के माध्यम से हो रही है। सर, जो भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की अदला बदली हो रही है, फेराफेरी हो रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यह और कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ और नहीं कर सकते। आप देख रहे हो कि वंचित बहुजन आघाड़ी एक सामान्य कार्यकर्ता को नेता बनाती है, और उस नेता को खरीदने का काम ये करते हैं, लेकिन जो बिकाऊ है वो बिक जाते हैं, जो टिकाऊ है वो आदरणीय बाला साहब के साथ ताकत से खड़े रहते हैं, क्योंकि हमको बाला साहब का सपना पूरा करना है। हमको तमाम वंचित घटकों को, तमाम SC ST OBC और मुसलमानों को इंसाफ दिलाना है, उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो जिंदा करना है, उनको एजुकेशन में, नौकरियों में, उनके अधिकारों को रक्षा करने के लिए हमको एक पढ़ा लिखा MBBS MD और मूवमेंट में काम करने वाला 20 साल से देगलूर की जनता की वो सेवा कर रहे हैं, एक ऐसे ईमानदार कार्यकर्ता को, रेती के ठेकेदारों को या दारू के अड्डे खोलने वाले दलालों को नहीं, तो एक ईमानदार आदमी को चुनने का मौका देगलूर बिलोली कुंडलवाड़ी की जनता को मिला है, और इसलिए जनता उत्साही है। आज हम बिलोली से लेकर रैली लेकर आए, लेकिन हर गांव के लोग खुद रास्ते पे आके हमारा स्वागत कर रहे हैं। हमारा समारोह हाने गांव में करना था, लेकिन वक्त होने की वजह से अचानक कावल गांव में रुक गए, और देखिए सारी जनता खाली वंचित की गाड़ी आई बोलकर पूरे घर में से निकल कर ये जनता यहाँ आ गई हमारे स्वागत के लिए। ये उत्साह जो है, ये एक जलवा है जो लोकशाही का जलवा है, जो देगलूर और बिलोली की जनता दिखा रही है।